बालों को हाईलाइट करने के बाद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखने लगते हैं। लेकिन वेट वेट वेट, इसे मैंने घर पे ट्राई किया है, ना कि पार्लर में। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और जहाँ होंगे हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज मैं आपको जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली वो है हमारे बालों को हाईलाइट करवाने से रिलेटेड, क्योंकि आजकल हर कोई अपने बालों को हाईलाइट करवा रहा है। पार्लर में जाके एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेके हमारे बालों को अपने बालों का हर कोई हाईलाइट करवा रहा है इन दिनों। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये ट्राई करूँ, लेकिन मैं नेचुरल वे में इसे अपने बालों का हाईलाइट करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी टाइप का कोई केमिकल मीन्स पार्लर वाला अपने बालों पर ट्राई नहीं किया है। तो आप देख सकते हो अभी भी मेरे बालों में किस तरह का शाइन है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके हम अपने बालों को हाईलाइट करवाएंगे। तो इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ मेहंदी एंड बीटरूट, चुकंदर का जो एंड कॉफ़ी, जिनका यूज़ करके मैं अपने बालों का हाईलाइट करवाने वाली हूँ। तो बहुत से लोगों का ये मिथ है कि मेहंदी के यूज़ से हमारे बाल वाइट हो जाते हैं या बालों में हेयर फॉल स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप मेहंदी को सही तरीके से और सही चीज़ों के साथ और सही टाइमिंग के साथ आप उसे अप्लाई अपने बालों पे करते हो तो बिल्कुल भी उसका है साइड इफेक्ट नहीं होगा। एंड उसके साथ एक ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, ट्रिक को आपको कंपलसरी अप्लाई करना है अपने बालों पे, देन आप देखोगे आपके मेहंदी को यूज़ करने के बाद आपके बालों में बिल्कुल भी डलनेस, डैमेज एंड फ्रिजीनेस बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये मेहंदी से आपके बाल डल, डैमेज और वाइट हो जाते हैं, क्योंकि मेहंदी तो एक नेचुरल चीज़ है जिसके यूज़ से हमारे बाल सिल्की स्मूथ एंड शाइनी एंड ग्लो आ जाता है। तो चलिए मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह से आपको मेहंदी प्रिपेयर करनी है। तो चलिए, एक बीटरूट का यूज़ करेंगे हम। उसका छिलका उतार के हम उसे छोटे छोटे पीस में कट करके इसे मिक्सी जार में इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे स्मूथ सा, और इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये एकदम सॉफ्ट सा पेस्ट बन जाए। देन हम इसे बॉईल कर लेंगे। 2 कटोरी पानी लेंगे और उसमें इस पेस्ट को बॉईल करेंगे। तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये 2 कटोरी पानी रिड्यूस हो के 1 कटोरी नहीं हो जाता। यहाँ पे ये बॉईल हो चुका है, अब हम इसे छान लेंगे और ये 1 कटोरी पानी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 मेहंदी के पैकेट लिए हैं नूपुर के, क्योंकि मेरे हेयर की लेंथ के हिसाब से मैंने लिए है। और यहाँ पे 1 चम्मच इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे और धीरे धीरे बीटरूट का जो पानी हमने बॉईल किया था उसे मिक्स करते हुए हम मेहंदी को घोल लेंगे। एक साथ पानी पूरा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मेहंदी में लम्स पड़ जाते हैं, और इस तरह से हम रात में जब इसे मिक्स करेंगे तो थोड़ी गाढ़ी ही रहने देंगे, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमें इसे अप्लाई करना होगा हेयर्स पे तो हम इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे, ज़्यादा रनी नहीं करेंगे वरना ये आपके बालों में से निकलना शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बालों को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेंगे और एक एक सेक्शन राइट लेफ्ट करते हुए मेहंदी को अप्लाई करते जाएंगे और ऊपर इसका जूड़ा बनाते जाएंगे। मेहंदी लगाने के बाद हम इसे 2 घंटे ऐसे ही रहने देंगे और 2 घंटे बाद हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे सिर्फ नॉर्मल वाटर से, शैम्पू का यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मल वाटर से बालों को धो लेंगे। शुरू में मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी कि जिससे यूज़ करने से आपके बाल बिल्कुल भी डल, डैमेज एंड फ्रिजी नहीं होंगे, वो ये है कि आपको रात में सोते समय आपके बालों में अच्छे से तेल मालिश करनी है। आप आपके चॉइस के हिसाब से कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और इसकी अच्छे से मसाज करके आप इसे ओवरनाइट रहने दें, देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसे वॉश कर सकते हो। नॉर्मल वाटर से अपने बालों को धो लूंगे एंड देन रात में हेवी ऑयलिंग करने के बाद नेक्स्ट डे आप शैम्पू का यूज करके अपने बालों को धो सकते हो। देन आप देखिएगा कि आपके बालों में एक अलग सा ग्लो, शाइन एंड स्मूथनेस आएगा, और ऑयलिंग करने की वजह से हमारे बाल बिल्कुल भी फ्रिजी, डल नहीं नजर आएंगे, एक्चुअली वो सिल्की स्मूथ दिखेंगे। और हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने भी पार्लर से जाके अपने बालों को हाईलाइट करवाया है या, तो आपको बोलना होगा कि नहीं, मैंने तो अपना घर पे ही करवाया है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को फॉलो कीजिएगा तो आप जरूर आपको
इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि पार्लर जा हाईलाइट करवाने वाले ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो लेकर अगर आपके बाल डल डैमेज होने वाले होंगे तो आप ये सस्ता सा सस्ती सी चीजें और सस्ता सा ट्रीटमेंट लेकर अपने बालों को हाईलाइट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। देन थैंक यू गाइज़।